देश के जो लोग हैं जीना छोड़ चुके हैं, जीना समझते हैं कि खुल के कैसे सांस लेते हैं। गुजरात का मुसलमान, अहमदाबाद का मुसलमान डरा हुआ है। अहमदाबाद का जो मुसलमान है उसकी बिजली पानी रोक दी गई है। मैं कल ही होके आया हूँ, कई ऐसे जगह हैं। और इसी अहमदाबाद में हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तान है, कई बांग्लादेश है, कई पाकिस्तान है। गुजरात हारना मोदी साहब को इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र की सुन रहे हैं। अरे भैया तो क्या होगा, कई दशकों से लड़ाई चल रही है हमारी, सुन रहे हैं। मैं तो क्या बिहार का बच्चा हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, इज अ किंग ऑफ इंडिया। वो किंग ऑफ इंडिया रूल करना चाहता है, डिक्टेटरी कर रहे हैं। मैं क्यों भाजपा विरोधी बन गए आप? नहीं, भाजपा विरोधी नहीं हूँ मैं, भाजपा के उस प्लानिंग का बड़ा बारीक से समझता हूँ। कांग्रेस पे इतना भरोसा नहीं भैया, भरोसा मुझे किसी पे नहीं। सुन लीजिए, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ जो मैं डरता हूँ कि आप हमारे पीछे से दो तीन बंगलों लेके चले। राहुल गांधी डरते हैं, राहुल गांधी डरते हैं। लीजिए, मैं अपनी बात सुन लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। और अब भी कह रहा हूँ कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर से इस देश का फकीर लड़ सकता है, मेरे जैसे फकीर जिसके पास कुछ नहीं है। राहुल गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी डरपोगे? आप मुझसे पूछ रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बताइए, आपने कहा ना राहुल गांधी नहीं हो, क्या मतलब राहुल गांधी का डरपोगे? कुछ नहीं है, राहुल गांधी के पास बहुत कुछ होगा, मेरे को नहीं मालूम। वो डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूँ इससे, प्राइम मिनिस्टर से नहीं डरता हूँ मैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फकीर हूँ, मैं लड़ूंगा इससे और तहत जीवन तक लड़ूंगा। ये जो गुजरात का जो चुनाव है, ये गुजरात की अस्मिता की लड़ाई है। ये बात भले ही है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल से यहाँ पर रूल कर रही हो, अलग बात है। लेकिन अगर लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करना है, अगर इस देश के आइन को मजबूत करना है, तो सबसे पहले जो कई दशकों से गुजरात में रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको इस बार परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस को फ्रंट फुट पे आकर खेलना चाहिए। उसकी दो वजह है। पश्चिम बंगाल की एक समय ममता, क्यों आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बता रहा हूँ उसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कैसे और क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये विचारधाराओं की बात है। मैं कांग्रेस का मिडिल मैन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल गाय, आई एम सिंगल पॉलिटिकल एनालिसिस्ट। तो इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी अगर परिवर्तन यहाँ पर लाती है तो 2024 आसान हो जाएगा। मोदी और शाह के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती होने वाला है। गुजरात का व्यापारी, अहमदाबाद का व्यापारी दिल्ली में बैठे मंत्रियों को हवा पेश करते हैं। अब मंत्री कौन है? मोदी शाह जी। गुजरात में क्या हो रहा है, अहमदाबाद में क्या हो रहा है, इस समय दिल्ली को भेजा जाता है, वहाँ से रिपोर्ट सबमिट होकर पूरे देश में घूमती है। कई साल पहले यानी कि 2014 से पहले ये कयास लगाया जा रहा था, ये ऐसा सोचा जा रहा था कि देश की जो राजधानी है दिल्ली, वो पॉलिटिकल सेंट्रल यानी कि पॉलिटिकल हब है। लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो चुका है, आज पूरे देश की पॉलिटिकल हब गुजरात बनने जा रही है, क्योंकि यहाँ से इस चुनाव से बहुत कुछ तय होने वाला है। मोदी शाह का जो नींव है वो कमजोर होगी अगर गुजरात हारते हैं। बात कैसी कर रहे हैं आप? मैं, तो गुजरात मैं, नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात बताएं। पहले समझ लीजिए, तीन चीजें हैं इसमें। गुजरात हारना मोदी शाह को इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र की मजबूत, सुन रहे हैं मोदी शाह जी। अरे भैया तो क्या होगा, कई दशकों से लड़ाई चल रही है हमारी, सुन रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि फॉर्मर जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, आईटी की रेट बढ़वा दिए तो क्या हो गया? देखिए, ये कोई मोदी शाह से, मैं तो बिहार का बच्चा हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, इज अ किंग ऑफ इंडिया। वो किंग ऑफ इंडिया रूल करना चाहता है, डिक्टेटरी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए, समझने की बात है, हम लोग अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं हम लोग। अपमान तो अपमान क्यों कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री का? कहाँ अपमान किया बताइए आप प्रधानमंत्री को? इंडिया कहना अपमान है क्या? आप डिक्टेटर बताएं। तो स्पीच क्या है वो, क्या नहीं है बोलने की आजादी? कुचल दीजिए आईटी, जैसे आरटीआई को आपने कुचला, उसी तरह इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को, संविधान के कुछ पन्नों को, संविधान के उन राइट्स को जो हिंदुस्तान के आत्मा में बसती है, कुचल दीजिए। कहिए कि नरेंद्र मोदी जी, संविधान के उन आयत में जिक्र है कि आप इस देश में बोल सकते हैं, आप इस देश के किसी प्रांतों में घूम सकते हैं। मैं बिहार से यहाँ आया हूँ, मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, तो इसका मतलब कि हमारी रथ को, ट्रेन को रोक देंगे क्या? मुद्दों पे आते हैं, चुनावी मुद्दा ये बताइए, गुजरात में आपने क्या देखा, क्या कमी दिखाई दी आपको, क्यों भाजपा विरोधी बन गए आप? भाजपा विरोधी नहीं हूँ मैं, भाजपा के उस प्लानिंग का बड़ा बारीक से समझता हूँ। भाजपा की हर एक स्टेप ट्रांसपेरेंसी, कांग्रेस पे इतना भरोसा नहीं भैया, भरोसा मुझे किसी पे नहीं। सुन लीजिए, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ जो मैं डरता हूँ कि आप हमारे पीछे से दो तीन बंगलों लेके चले। राहुल गांधी डरते हैं, राहुल गांधी डरते हैं। सुन लीजिए, मैं अपनी बात सुन लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। और अब भी कह रहा हूँ कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर से इस देश का फकीर लड़ सकता है, मेरे जैसे फकीर जिसके पास कुछ नहीं है। राहुल गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी डरपोगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बताइए, आपने कहा ना राहुल गांधी नहीं हो, क्या मतलब राहुल गांधी का डरपोगे? कुछ नहीं है, राहुल गांधी के पास बहुत कुछ होगा, मेरे को नहीं मालूम। वो डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूँ इससे,
प्राइम मिनिस्टर से नहीं डरता हूँ मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फकीर हूँ, मैं लड़ूंगा इससे और तह जीवन तक लड़ूंगा, पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं गुजरात का अहमदाबाद का उद्योगपति नहीं हूँ कि मैं मोदी और शाह को प्लान्स भेजूंगा कि आप इस तरीके से रूल करो कि पूरे हिंदुस्तान को हथिया लो और एक ही डिक्टेटरी की छड़ी में पूरे देश पे रूल करो। ये कहीं से भी लोकतंत्र की सच्चाई नहीं है। ये लोकतंत्र को चलाना नहीं है, ये हैवानियत को चलाना है। इस देश के जो लोग हैं जीना छोड़ चुके हैं, जीना समझते हैं कि खुल के कैसे सांस लेते हैं। गुजरात का मुसलमान, अहमदाबाद का मुसलमान डरा हुआ है। अहमदाबाद का जो मुसलमान है उसकी बिजली पानी रोक दी गई है। मैं कल ही होके आया हूँ, कई ऐसे जगह हैं और इसी अहमदाबाद में हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तान हैं, कई बांग्लादेश हैं, कई पाकिस्तान हैं।